वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी। लेकिन किसी के नाम की पर्ची से मेरी पत्नी के नाम की पर्ची आई है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम जब तक जीवन साथी है जीवन साथी के साथ जाएंगे। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए चौथे चरण का मतदान बुधवार को जारी है। बड़े बड़े राजनेता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और 7 चरणों में होने वाले 3 चरणों का मतदान सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद अब चौथे चरण का मतदान 9 जिलों की 59 सीटों पर जारी है। प्रत्याशियों की बढ़ी हुई दिलों की धड़कनों के साथ जनता में मतदान करने का उत्साह भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इस सबके बीच हमेशा विवादों में घिरे रहने वाले शायर मुनव्वर राणा ने दावा किया है कि उनका नाम इस बार वोटिंग लिस्ट से ही गायब है और इसके कारण वे अपने घर में ही बैठे हुए हैं। अपना नाम वोटर लिस्ट में ना होने पर शायर मुनव्वर राणा ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, जाहिर सी बात है कि हमारा नाम नहीं है, तो हमने पर्ची मंगवाई तो मेरी पत्नी के नाम आई और मेरा ना हमारे नाम की कोई पर्ची नहीं है। सर, नाम काटा गया है कि जान के बाय मिस्टेक? नहीं नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं कि नाम काटा गया है, क्या हुआ न मैंने इसकी कोई जानकारी हासिल की। नहीं, किसी के नाम की पर्ची से मेरी पत्नी के नाम की पर्ची आई है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम जब तक जीवन साथी है जीवन साथी के साथ जाएंगे। तो ये अफसोस का मकाम है ना कि अगर नाम मेरा नहीं था तो मुझे कोई दुख नहीं हुआ, इसलिए कि जिस उम्र में हम हैं वहाँ जिंदगी से भी नाम कटने वाला है, इलेक्शन से कट गया तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क तो पड़ता नहीं। मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने कहा, पिछली बार मेरा वोट था, मैं इल्जाम नहीं लगाऊंगा कि मेरा वोट जानबूझकर काट दिया गया है, लेकिन मेरा वोट न आने से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सुशासन नहीं कुशासन है। बड़े शायर की क्या हैसियत है इस देश में, थानों में रिपोर्ट होना, पुलिस के छापे पड़ना, बट बड़ा शहर नो बड़ा शहर कोई बड़ा शहर नहीं है इस मुल्क में, न साहित्य की गुंजाइश है न साहित्यकार की गुंजाइश है। जहाँ अवार्ड वापसी गैंग होता हो वहाँ साहित्य का क्या मतलब होता है। बदतमीजी की वजह से हमारा पर्चा हमारे पास नहीं आया और हमें वोट डालने नहीं दिया गया। आपको बता दें, मुनव्वर राणा पहले भी सरकार पर हमला बोलने के लिए सुर्खियों में आए थे। उन्होंने कहा था कि अगर योगी आदित्यनाथ दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं तो वे यूपी छोड़ देंगे। इसके बाद मुनव्वर राणा की बेटी उरुषा ने भी बयान दिया था कि उनके पिता मुनव्वर राणा यूपी नहीं छोड़ेंगे, बल्कि चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ लखनऊ छोड़कर गोरखपुर जाएंगे। इस बयान के बाद उनकी खूब आलोचना भी हुई थी। आपको बता दें, मुनव्वर राणा की बेटी उरुषा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं और उन्हें पार्टी ने लखनऊ से कांग्रेस विमेन कमेटी की नई उपाध्यक्ष भी बना दिया है। इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।